अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिली क्या? नहीं ना, नहीं मिली यार, कहाँ पर चले गई यार? रुक, मैं माजी को फोन करता हूँ, शायद उनको फोन किया हो। हाँ दामाद जी, बोलिए। वो कोमल का फोन आया था क्या आपके पास? फोन तो आया था उसका, उसने बोला भी कि वो पहुँच गई है और उसने तुमको भी फोन किया है। तुम्हारे साथ नहीं है क्या? हाँ वो आई है लेकिन मिल नहीं रही है मुझे। मैं पूरा स्टेशन देख चुका हूँ, मेरा दोस्त भी देख चुका है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। क्या? नहीं नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। आप लोग पर संजय कहाँ है? चुप, बोल रहा हूँ, चुप। आपको तो हमारे पति संजय ने भेजा था हमें लेने के लिए, है ना? चुप, तेरा खुद का पति ने 2 लाख रुपए में बेचा है हमें। नहीं, संजय ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे कभी भी नहीं बेच सकते। जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगे मैं यकीन नहीं करूंगी। चुप, ये रोना धोना बंद कर, तू कमाएगी और हमें खिलाएगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। माजी आप घबराइए नहीं, मुंबई पुलिस आपकी सेवा के लिए है। आप इत्मीनान से बताइए कि हुआ क्या था। सर मैं आपको बताता हूँ। सर मेरी पत्नी कोमल गोरखपुर से मुंबई के लिए आई, CSMT स्टेशन पर आके उसने मुझे फ़ोन किया। सर मैं काम में थोड़ा व्यस्त था तो मैंने अपने दोस्त सोम को उसे लाने के लिए भेजा, लेकिन सर जब सोम वहाँ पर पहुँचा तो कोमल वहाँ पर नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम उसे ढूंढ रहे लेकिन कोमल अभी तक नहीं मिली। सब ये झूठ बोल रहे हैं, किसी ने मेरी बेटी को उठवाया है। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप, वो पत्नी है हमारी। साहब मैं आपको बताती हूँ, गोरखपुर एक्सप्रेस पर 2:03 मेरी बेटी चढ़ी थी, पूरे सफर में वो मेरे से फोन पे बात करती रही। हाँ अम्मा, उसने मुझे फोन करके बताया कि वो मुंबई उतरी है और उसने संजय को फोन किया। हाँ सर, संजय उसे लेने आ रहे हैं लेकिन संजय आए नहीं। थोड़ी देर में संजय का फोन आया, बोल रहा था कि कोमल मिल नहीं रही है। ये सब इसका बुना हुआ जाल है साहब, शादी के इतने महीनों के बाद भी वो मेरी बेटी को यहाँ नहीं बुला रहा था क्योंकि इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने मेरे पास फोन आया था सर। वो सब हम पता कर लेंगे। नील निराले से चलो अंदर से। नहीं सर मेरी बात तो सुनिए सर, माजी आपको गलत है। सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। माजी आप रोइए मत, हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। अब अपने घर जाइए। कहाँ जाएंगे साहब, अब किसी के भरोसे तो मुंबई आए थे हम, अब हमको क्या पता था कि ये। माँ जी आप हमारे साथ चलिए। हाँ माँ जी, हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही है ना, और वो घर सिर्फ संजय का ही नहीं बल्कि हमारा भी है। सनम ठीक से नाचना। नाच तो रही हूँ, कितना नाचू? ये वैसे भी आजकल जो ये ऑनलाइन के नए नए ऐप आ गए हैं ना, सारा उसकी वजह से ना हमारा धंधा चौपट हो गया। लो, अब तू क्या खबर लेके आया? चल मौसी तेरा पार्सल तो आ गया। ए मौसी, हाँ? माल बहुत चिकना है क्या, किसी को हाथ रखने नहीं दे रही है? बाकी तू जान तेरा काम जाने भाई। ए चिकने जा लेके आ।
छोड़िए, देखिए हमें जबरदस्ती पकड़ के लेकर आ गए। संजय हमारे पति हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारी अम्मा हमारे अम्मा को कॉल करिए, हमारी चिंता कर रही होगी, चिंता कर रही होगी। चुप चुप, अच्छे मैं तेरी अम्मा हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है? ये वनवे है, वनवे। यहाँ से मौसी की मर्जी के बिना कोई वापस नहीं जा सकता, समझी? चल निकल। ए अशोक, धंधे पे लगा इसको, लेके जा धंधे वाले कमरे में। के फोन को ट्रेस करो, उसकी फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और अपनी खबरों को भी अलर्ट करो। ये लड़की हमें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। रुको, एक काम करो, पूरी ढूंढने के बाद छोड़ देना, देखना कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और ध्यान रखना, ये शहर से बाहर ना जाने पाए। ले खा ले, मुझे नहीं खाना ये खाना। ए रानी, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप खाना खा ले। मासी की बात जितनी जल्दी मान लेगी ना, उतनी तकलीफ कम होगी। हमारे पति के अलावा हमें कोई नहीं छू सकता, हमें गलत काम नहीं करेंगे। ए इसको समझा। अरे ये नहीं है, तो समझती नहीं रे। ए हलकट, क्या रही? पति के नाम की पकड़ 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 किए जा रही है कब से? जिस पति की तू इतनी दुहाई दे रही है ना, तेरा वही पति तुझे हमारे पास इस कुत्ते में बेच के गया, समझी? आप झूठ बोल रहे हो। हम झूठ बोल रहे हैं? ए सनम, समझा इस बददिमाग को। तू खुद सोच, हमें कैसे पता चला कि तू कौन सी ट्रेन से आ रही है? तेरे पति ने ही बताया होगा ना हमें, समझी? नहीं नहीं, संजय ऐसा नहीं कर सकते। जब तक वो आके हमें नहीं बोलेंगे ना, हम आपकी बात में विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, तुझे ये काम नहीं करना ना, तो मत कर। सनम, जब तक ये धंधे के लिए मान नहीं जाती, इसका खाना पीना सब बंद। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ धंधे पे लगो, रात के आने का समय हो गया है। और हाँ, जब तक तेरे पेट में भूख की आग नहीं जलेगी ना, तब तक तू ग्राहक की भूख को भी शांत नहीं कर सकती। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।